नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं CPIM ऑफिस के यहाँ पर, और हमारे साथ है कॉमरेड डी लक्ष्मण राव जी, जो स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर ऑफ CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अंडमान निकोबार स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से ये बिलोंग करते हैं, और इनका जो डेजिग्नेशन हमें आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इनसे हमारे बम्बू फ्लैट के बारे में, और काफ़ी लोग जो है चाटम चट्टी से जब वहाँ से जब वो लोग फेरी के लिए वेट करते हैं बम्बू फ्लैट जाने के लिए, तो लोगों को काफ़ी कठिनाइयों को जो है सामना करना पड़ रहा है। और एक पिक भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सवेरे शोर पॉइंट के वहाँ पर, शोर पॉइंट कहाँ है और जट्टी कहाँ है, बम्बू फ्लैट जट्टी, लेकिन जितने भी लोग हैं वो अपना टू व्हीलर फोर व्हीलर लेकर जो है लाइन में क्यू में खड़ा हो जाते हैं, ताकि बोट जब चल रहे, एक बोट चलता कभी दो बोट चलता, लेकिन नॉर्मली जब भी हमने देखा तो एक सिंगल बोट ही रहता। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना मुताबिक जो है प्लीज़ बोट इतना मत चलाइए, क्योंकि आप लोग एक एक चला रहे हैं, फिर कभी दो दो चला रहे हैं, अगर हो सकेगा तो ज़्यादा चलाइए, क्योंकि वहाँ पर इतने लोग हैं, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। लोगों ने हमसे ऑफ कैमरा जो है बात की, और इसी सिलसिले को लेकर हम सर से भी बात करेंगे, और इसके बारे में हम जानते हैं कि क्यों आखिर वहाँ के लोगों को इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका मीडिया को मैं वेलकम करता हूँ। ये जो बोट का समस्या है, आज का नहीं, पिछले 10-15 सालों से जो है ये बोट का समस्या वैसे ही है। कोई बोट का जो है एक्सटेंशन नहीं होता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके साथ में प्राइवेट वर्कर भी है, उन लोग जो है टू व्हीलर ओन दीजिए, उनको जो है सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक जितने भी फेरी चलता है उसमें फेरी का जो है कम है, एक फेरी चलता है और दो जो है आपका व्हीकल फेरी है, जो पिलो पंजा है और दूसरा है आपका पिलो पंजा, तो रेंग के चलता है और दूसरा है पंजा, थोड़ा स्पीड है। उसके अलावा कभी कभी जो है डबल रैंप देता है कर्मटंग, कभी कभी नहीं देता। इस वजह से जो है वहाँ के जो लोगों को जो है यहाँ पार करने के लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सर, और मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप खुद वहाँ के निवासी है, तो आप ये बताइए सर, काफ़ी लोगों ने आपसे भी इस मुद्दे को लेकर बात की होगी, क्योंकि आप भी एक अच्छे पद पर हैं, और इन सब को लेकर वहाँ के लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का कहना है कि जो हमारे जो व्हीकल फेरी का जो है एक्सटेंशन करना, एक दो बोट से होगा नहीं, कम से कम 3 या 4 बोट होना चाहिए, और भी जो है उसको जो है तरीका से चलाना चाहिए, अपना मर्जी से नहीं चलाना, ये बात है। और जो है फेरी जो दे रहा है वो कभी कभी देता है, कभी नहीं देता है, और कभी कभी देता है तो दोनों बोट एक साथ छोड़ देता है। 5 मिनट 10 मिनट का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस इन लोग जो है मेंटेनेंस नहीं करता, बात यह है। और ऊपर से बात यह है, जो लोग अगर जल्दी जाना चाहता है तो जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बम्बू फ्लैट जट्टी से लेके एक लाइन होता है आपका शोर पॉइंट का जंक्शन, यानी कि अंडा बेड़ा जाने वाला रास्ता तक जो है लाइन लगा रहता है। वो जो लाइन कंप्लीट होने के लिए जो है यहाँ में कम से कम 2 बोट होना चाहिए, सिंगल बोट में जा नहीं सकेंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक है, कैसे भी करके उन लोग बोल सकता है, जैसा प्राइवेट वर्कर है, ये प्राइवेट वर्कर जो है 1-2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, 4 दिन लेट से जाएगा तब ये, लेकिन अगर उन लोग समय पर नहीं पहुंचेगा तो उनका जो मालकाना है जिसके पास काम कर रहा है उन लोग से तो नौकरी से वंचित करना पड़ेगा, इस तरह का तकलीफ को सामना करना पड़ता है। इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन से DSS से हमारा जो ये अनुरोध है कि जो व्हीकल फेरी जो है उसको जाए, और भी जो 2 बोट को बढ़ाना चाहिए, और जो फेरी भी जो है अभी सिंगल चल रहा है वो भी 2 होना चाहिए, तब जा कर के जो है कम से कम जो है जिसके पास में व्हीकल नहीं है वो जा कर के फेरी में चढ़ के जाएंगे, ताकि व्हीकल फेरी का जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाएगा। ये देखिए, जो जैसा मैंने ये मुद्दा जो आपने बता दिया है कि देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकेगा तो थोड़ा वो लोग टाइम मेंटेन कर सकते हैं, बट जो प्राइवेट, क्योंकि सर देखिए यहाँ पर एक तो काफ़ी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, लोग पढ़कर बैठे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहे, और थक हार कर लोगों को अपना घर चलाना है, काफ़ी जो है गरीब लोग हैं, और वो लोग जाकर कोई ना कोई छोटी मोटी दुकान में वो लोग काम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये में। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहेगा, और ऐसा बहुत कुछ हुआ भी है, काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि ऐसा है कि वो लोग वहाँ से यहाँ पर आके वो लोग काम करते हैं, और जब इस तरह कुछ होता है तो जो दुकान का ऑनर है उसके तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए आप लोग टाइम मेंटेन नहीं करते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप काम छोड़ दीजिए करके। तो आप ये सोचिए ना, इतना गलत सब हो रहा है, और लेकिन
इसका हर्जाना जो है आम आदमी भुगत रहे। वो तो सही है। अभी देखिए आपका 16/19 से लेकर के और यहाँ में जो है आपका परारगंज जंक्शन से लेकर के कम से कम हमारे बीच में जो है 7-8 पंचायत है। ये तमाम पंचायत के लोग जो है उनका रोजी रोटी के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका बात अलग है, लेकिन जो प्राइवेट में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, यहाँ से लेकर के टेरलाबाद और भरमानाला चिड़िया टापू तक जो है इन लोग काम करने जाते हैं। और बेरोजगारी का समस्या है, आपको मालूम है जो बेरोजगारी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कम से कम 1,00,000 से ज़्यादा है। और उन लोग जो है हर घर में पढ़े लिखे बच्चे लोग है, डिग्री किया वाला बच्चा है, सर्टिफिकेट लेके धरे धरे फिर रहा है काम के से, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। अगर कोई जगह में सेल्स गर्ल में, सेल्स बॉय में अगर में कोई जगह में काम करता है, समय पर जो है वो उसको उधर पहुंच नहीं पाते। इस वजह से जो है वो मालिक लोग जो है उनको जो नौकरी से हटाने का बात करता है। सर, तो ये तमाम समस्या है। सर देखिए वहाँ पर एक ब्रिज बनने का, जब हमारे जो MP साहब है और गडकरी साहब भी जब आए थे तो ये वादा किया गया था कि ब्रिज बनेगा, लेकिन ये वादा सर तो वादे पर वादे होते जा रहे हैं लेकिन वादा निभाता कोई नहीं है। ये सही बात है। हम लोग भी हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग ये बोला है, ये तो चुनाव का भाषण है। अच्छा। चुनाव का भाषण है, ये केवल वोट बैंक करने के लिए। अच्छा। आज को देखे कम से कम जो है 10-15 साल हो चुका है जो कटघरे सर ने आपको जो है बोम्बोपलाट जट्टी में एक भारी से भारी आम जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वादा किया कि 8 महीना के अंदर में जो है ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, अगला साल तक जो है ब्रिज बन जाएगा। आज वो बात को लेकर के 3 चुनाव जीत सका है, जीता हुआ है BJP वाले 3 बार, लेकिन उसमें से 1 बार कांग्रेस है, लेकिन उसके पहले भी BJP था और अभी भी BJP आई हुई है। तो इस परिस्थिति में जो है उन लोग काली वोट के लिए है। आज तक अगर वो ब्रिज अगर बना होता तो ये मुश्किल नहीं होता। ये जो कटघरे साहब ने जो वादा करके गया पब्लिक से, आज तक वो वादा जो है पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो है काली इलेक्शन में लोग वोट बटोरने के लिए जो वादा करके हम समझते हैं, हमारे पार्टी भी ऐसी समझता है। लेकिन बात है अगर ये पुल अगर बना रहता, वो पुल बना रहने से आज तक जो है ये समस्या नहीं आता। वोट का चक्कर अभी वोट जो है अभी कम से कम हम लोग 4-5 वोट में जो खर्चा कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, वो खर्चे से जो है बहुत कुछ काम कर सकता था लेकिन हुआ नहीं। कभी ना कभी कोई कहाँ से कोई मंजूरी नहीं मिला, नेवल से जो है मंजूरी नहीं मिला, कभी डिफेंस से मंजूरी नहीं मिला, इस तरह का जो बोल बाल के जो है कम से कम अभी सर मंजूरी नहीं मिला। सर देखिए एक को ऑन कैमरा नितिन गडकरी जी ने ये बात को जो है किया है, मतलब इनका प्रचार किया है, और इसको लेकर आप बताइए ना, सब तो सरकार के अंडर ही आते हैं, तो कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सरकार होने के बावजूद भी वो लोग क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं। यही तो बात सही है, लेकिन ये जो है लोग भी समझना चाहिए, उनका सरकार है और यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए ऑफिसर हैं ना उन्हीं का समर्थक है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो काम LG साहब भी उन्हीं का है, LG भी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिसर लोग आगे बैठे हुए हैं उन्हीं के समर्थन में है और उन्हीं लोग यहाँ पर बिठा के रखा है। तो इस परिस्थिति में काम होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो इसका भी कुछ कारण है। तो इसलिए जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो कटघरे जो यहाँ का पुल बनाने के लिए जो वादा करके गया वो किस लिए रुका हुआ है, और इमीडिएटली जो है जो भी रुका हुआ है उसको जो है आपाधापा करके उससे जो है इमीडिएटली जो है वो पुल का काम जो है शुरू करना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो है ये जो व्हीकल फेरी का जो तादाद है जो उसका जो है क्षमता के अनुसार वो जो है कम से कम अभी जो है एक एडिशनल चल रहा है और 2 बोट चल रहा है, उसके अलावा और एक बोट भी दिया जाना चाहिए। और उसके साथ में फेरी भी जो है अभी सिंगल एक फेरी चल रहा है, उसके भी जो है 2 फेरी देने से क्या है आदमी को थोड़ा आराम होगा। ये भी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाएंगे, समाधान करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो समस्या है अंडमान में जो है द्वीपों में जाने आने के लिए जो है बोट का व्यवस्था जरूरी है, इसलिए जो है ये बोट के व्यवस्था में जो है सुधार करना चाहिए, एक्सटेंशन करना चाहिए ताकि जो है लोगों को आराम कर सके। अगर ये काम अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है तो हम अपनी पार्टी की ओर से जो है जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्रजातंत्र के सिस्टम से हम आंदोलन करने के लिए तैयार है और करेगा भी। ये हमारा जो है पार्टी का तरफ से जो प्रोग्राम करेंगे
अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अभी देखिए ये इलेक्शन में भी जो है बीजेपी का सरकार है केंद्र में, और अंडमान में भी जो है एमपी भी जो है जीता हुआ है वो भी बीजेपी का है, और यहाँ के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर उन्हीं के निर्देश के ऊपर में काम कर रहा है। इसीलिए उन सभी से हमारा अनुरोध है कि ये जो समस्या को हल करने के लिए वोट का व्यवस्था को सुधार करें, और ऊपर से जो है ये जो पुल बनाने के लिए जो है जल्दी से जल्दी कदम उठाए। धन्यवाद सर। सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया है। तो जैसा सर ने एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी कुछ कहा है, और इसको लेकर प्लस बोर्ड की जो तादाद है उसे भी जो है बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं आपको बता दूं वहाँ का जो हाल है हमेशा ही हम देखते हैं और देख कर काफ़ी ख़राब लगता है, क्योंकि देखिए हर किसी को मतलब बाज़ार आना है और मतलब हर तरह का, जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ने आना है सब कुछ, लेकिन वो लोग प्रॉपर टाइम मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? बोट की सुविधा नहीं है। क्यों? ब्रिज बनने वाला था, ब्रिज नहीं बना। तो इसमें आम आदमी ही पिस रहा है। तो प्लीज़ मैं न्यूज़ आप तक के तरफ से और सर ने जितनी भी आवाज़ उठाया इसको लेकर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना चाहता हूँ, और इस बार जो हमारे एमपी है वो भी भाजपा के है, तो केंद्र में उनकी सरकार है, यहाँ पर भी उनकी सरकार है, तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस ये जो मैटर है इसको टेकअप कीजिए और जल्द से जल्द लोगों का जो है समाधान निकालिए। बस यही कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरा विजय के साथ, धन्यवाद। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।